प्रदेश की ध्वस्त और बदहाल कानून व्यवस्था समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष और चकराता के विधायक प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसी बड़ी संख्या में सचिवालय कूच कर रहे हैं। बता दें कि अलग अलग जनपदों में बड़ी संख्या में कांग्रेसी राजधानी देहरादून के रेंजर ग्राउंड में एकत्रित हुए, जहां से उन्होंने सचिवालय की ओर पैदल रुख किया। हालांकि कांग्रेस जुलूस को सचिवालय के पास पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग पर रोका गया। इस दौरान प्रीतम सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राज्य में बेतहाशा बढ़ती हुई महंगाई, भ्रष्टाचार, भर्ती घोटालों और अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग को लेकर सचिवालय कूच कर रहे हैं। और 9 महीने के इस कार्यकाल में राजीव राठौर जी सरकार ने हमारे उत्तराखंड के लोगों को इतने घाव दिए हैं, भाकुनी जी जिसकी भरपाई वो पाना बहुत मुश्किल है। अधिकारी जी आए, शान अलवी जी, अंकिता भंडारी हत्याकांड, अरुण जोशी जी आए, पंकज जी आए, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, रिहान जी आए, करण भाकुनी जी आए, जिस तरीके से स्वागत अभिनंदन है, घोटाला हुआ, पराशर जी हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, आकाश बिरला जी है, इसके साथ साथ आपके सामने प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। विधानसभाओं में जो भर्तियां हुई है आदरणीय विजयपाल सजवाणी, वो घोटाला भी आपके सामने है, विक्रम सिंह नेगी हमारे अर्थव्यवस्था ध्वस्त है, विकास के कार्य और महंगाई अपने चरम पर, हार्दिक उनका एक विषय तो मैं कहूँ, प्रीतम सिंह जी पंचायत चुनाव में जिस तरीके से मैं अधिकारियों के सहयोग से धांधली की और वहाँ के चुनाव को प्रभावित करने का काम किया और कांग्रेस के साथियों पर झूठे मुकदमे दर्ज करने का काम किया है, तो इन तमाम विषयों को लेकर के जो है हम सचिवालय कूच करने जा रहे हैं। सर, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या जी कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक आहूत करेंगे और उस बैठक में तय होगा कि किन किन विषयों को प्रमुखता के साथ सदन के अंदर उठाना है। और मैं समझता हूँ मुद्दे इतने हैं कि विधानसभा सत्र में उसको समायोजित कर पाना बड़ा कठिन है। कोशिश होगी, प्रयास होगा कि उत्तराखंड की जो ज्वलंत समस्याएं हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उनको हम प्राथमिकता के आधार पर सदन के अंदर उठाना। बता दें कि सचिवालय कूच के दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, हरक सिंह रावत समेत कई कांग्रेसी नेता शामिल हुए। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से आशीष रमोला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।